तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों फेडरल बैंक के बारे में। क्या शेयर ने आज तेज़ी दिखाई है, 54.90 पे आज शेयर क्लोज हुआ है। और आज के इसके हाई के बारे में बात करेंगे कि कैसे आज शेयर ने अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है। तो दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको हम बताएंगे आगे के टारगेट्स क्या हो सकते हैं और कल कैसा मूव दिखाएगा फेडरल बैंक। उससे पहले दोस्तों प्लीज़ यार, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपको टिप्स देते हैं जहाँ पे आपके पैसे बन सकते हैं और जहाँ से आपको पैसे अपना निकालना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम अगर फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक ने 54.90 की क्लोजिंग दी है, 1.40 रुपये बढ़ा है और 2% की आज 2.5% की गेन है। तो देखिए दोस्तों आज फेडरल बैंक में बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिला। आज का इसका हाई था 55.80 का, जो काफ़ी इंप्रेसिव था। और देखिए दोस्तों आज अगर ऐसा शेयर अब मूव जाके कर रहा है, देखिए मैं आपको इसकी एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको आपको पिछले एक महीने की बात करूँ तो इसका एक महीने का जो रेंज था वो 54 के आसपास आके अटकता था। ये देखिए यहाँ पे एक रेंज है, ये जो 54.90 का आपको रेंज दिख रहा होगा इसके यहाँ पे आके अटक जाता था। ये देखिए दोस्तों ये जो लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे आके ऐसा अटकता था ये शेयर कि बढ़ नहीं पाता था, इस शेयर मूव कर नहीं पाता था, 55 के ऊपर नहीं निकल पाता था। अगर निकल जाता था तो फिर वापस शॉर्ट कवरिंग हो जाती थी और मुनाफा वसूली आ जाती थी शेयर में। तो शेयर काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ, लेकिन अब मेरे हिसाब से शेयर का टाइम आ चुका है, अब ये बढ़ने वाला है। 54.90 देखिए आज आ गया है, तो मुझे लगता है कल आपको 55 से लगाकर 56 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। और शेयर में और अगर बात करें तो देखिए शेयर ने आज काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है। शेयर ने शुरुआत में आज ओपनिंग दिखाई है, देखिए एक आज के दिन का अगर आपको उसका डेट चार्ट दिखाएं तो देखिए कंसोलिडेट हो रहा था यहाँ से, लेकिन बढ़ गया आज। और दोस्तों ये देखिए हाँ, यहाँ पे एक लाइन बताना चाहता था, जहाँ पे इसमें आज थोड़ी बहुत वसूली आना स्टार्ट हुई वो ये रेंज थी। ये जो रेंज है दोस्तों यहाँ पे आपको संभल के रखना पड़ेगा, यहाँ से शेयर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये आप याद रखिएगा। देखिए लेकिन शेयर ने आज बंद हुआ है, लेकिन उस समय थोड़ा डाउन हो चुका था बिकॉज मार्केट अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई थी मार्केट में आज अराउंड 3 बजे के आसपास। देखिए मार्केट के कारण थोड़ा सा बंद कम में हुआ है, लेकिन देखिए दोस्तों शेयर काफ़ी अच्छा है। अगर अभी तक बाय नहीं किया तो मैं आपको आज रेंज बताने वाला हूँ इसकी बाय की। सबसे पहले इसके टेक्निकल्स की हम बात करें तो देखिए आज टेक्निकल्स में स्ट्रॉन्ग बाय रही थी आज, देखिए बाय रही आज टेक्निकल्स में। टेक्निकल एनालिसिस में आप बता देते हैं पहले आपको, ये देखिए आज बाय रही है यहाँ पे, तो जो अच्छी बात है। अगर बाय रहती है तो देखिए स्टॉक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन आज सेल नहीं आया। सेलिंग प्रेशर जब भी बन जाएगा फिर वापस से ये गिर सकता है, लेकिन आज मार्केट में बाय रही है तो यहाँ पे आपको खुश होकर चलना चाहिए। तो कल भी हमें स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है, 55 से 56 तक के लेवल्स आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरा पहले का वीडियो भी देखा होगा तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि इसको अभी सही लेवल्स पर बाय कर लें, पर अगर आपने किया होगा तो यार वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं यार, अभी भी लेवल्स है एंट्री मारने के और 58 तक के लेवल्स आपको आराम से इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अभी ख़रीद के चलिए, और ये कंपनी आपको नहीं डुबाएगी, मैं आपको ये कह सकता हूँ। ये शेयर अब नहीं गिरेगा, गिरेगा तब भी 53 पे आके गिर जाएगा। तो आपको कल फर्स्ट एंड सेकंड आवर थोड़ा सा आपको कॉशियस रहिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड आवर अगर आप कॉशियस रह गए उसके बाद ये शेयर बढ़ सकता है। तो आपको मैं बता देता हूँ ये कि आप बाय करके चलिए देखिए 53.5 के आसपास शायद तक ये कल लेवल्स आ भी जाए, और ना बहुत कम चांसेस है देखिए आने के, सच तो यही है। लेकिन अगर आप 53.5 पे आ नहीं कर पाए तो 54 इज़ द करेक्ट लेवल टू एंटर इन दिस स्टॉक, और 58 तक के आपको टारगेट्स देखने को आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों ये आपको मैंने आज अपने टारगेट्स बताए हैं। अगर आपको यार दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक मार देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों मैं आपको अच्छे खासे आपको मैं बताते रहूँगा जिसमें आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाएंगे शेयर्स में। तो दोस्तों इसको बाय करके चलिए, ये मेरी सलाह रहेगी। तो आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।